हाय गाइस, तो बात करेंगे निफ्टी की रेंज की। निफ्टी का क्या व्यू रहेगा फॉर द कमिंग एक्सपायरी। तो ये डेली चार्ट है। सबसे पहले आप डेली चार्ट पे देखोगे कि हैमर बनी है। हैमर का सपोर्ट देख रहे हो आप 17832, और इससे नीचे वाला सपोर्ट आप देख रहे हो जहाँ पे कई बार निफ्टी ने आगे सपोर्ट किया 17600। और ये 50 मूविंग एवरेज है डेली की, जिस पे एक और अच्छा सपोर्ट है। अब चलते हैं आवरली पे। ये आवरली चार्ट देखो, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 17800 पे। हमें बार बार आ रही है मार्केट और यहाँ से ऊपर जा रही है, और यहाँ से जिसने रन लिया सेलिंग आई 18100 पे। अभी हम 18100 पे वापस अटके हुए हैं, जो कि फ्राइडे को आया है वापस सपोर्ट लेके 17800 से। तो अगर आपको एक वाइड रेंज पकड़नी है, सेफ रेंज, तो वो रहेगी 17600 से लेकर 18300 की। अगर ये इसको क्लियर ब्रेकआउट देता है 17800 को, तो हमें दिख सकता है 18300 दिख सकता है कमिंग वीक में या उसके बाद। नो आइडिया, किसी को भी नहीं पता होता कब क्या होने वाला है। बट अगर आपको थोड़ा सा रिस्की रेंज लेनी है, और तो मान लो मंडे को वापस मार्केट यहाँ पे आती है 17950-900 के आसपास, तो मार्क होते 17800 पे सपोर्ट है और 18100 पे रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच में वापस अपना स्ट्रैंगल डालेंगे जो डालते हैं। ये फ़िलहाल रेंज है निफ्टी की वो आवरली चार्ट पे, जो बड़ी क्लियर व्यू है। क्लियर एक साइड व्यू, साइड में मार्केट दिख रहा था, सिंपल क्लियर। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, सेम दिख रहा है आपको। कुछ बुलिश बेरिश कोई व्यू बनने की सेंस नहीं है इसमें। इसके अंदर वो क्लियर क्लियर साइड व्यूज दिख रही है। हाँ, वो मे बी इसको तोड़ के जा सकता है, इसके पर 150 पॉइंट का मूव आ सकता है, बट वो भी इंस्टेंट नहीं आएगा। ये इंस्टेंट ऐसे मूव्स नहीं आते जैसे सडन मूव्स आए हैं। थोड़ा सा एक वापस रीटेस्ट हो सकता है 18000 जोन का, ये यहाँ पर इस पर वापस यहाँ से टेस्ट करके फिर से एक रन ले सकता है, बट वो भी तब जब 18100 को क्रॉस करेगा ये, तब जाकर। बट अभी के लिए ये व्यू है। एक अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ये व्यू है मार्केट का, ये बड़ी रेंज है इस एक्सपायरी के लिए फिलहाल निफ्टी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, अप ट्रेंड, थोड़ा सा करेक्शन ही बोलेंगे, जैसे मार्केट मूव करती है अप डाउन, वैसी यहाँ से वापस एक हमारे को बुल रन दिख सकता है। और ये डेली चार्ट, डेली चार्ट पर आप देखो छोटी सी डोजी बनाई है, डोजी हैमर टाइप कैंडल। चलते हैं आवरली पे। आवरली पे देखो क्लियर कट मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। आवरली में लोअर लोज बना रही है, लोअर हाइज बना रही है। यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन था, देखो ये वाला जोन 38000 की रेंज वाला, जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और अब घूमने के लिए रेडी हो रही है। मे बी 39000 ब्रेक करके वापस अपना ऊपर जाएगी। किस टाइम से किस स्पीड से ये किसी को नहीं पता। मैं आपको अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ जो मैंने एक लिए रखी है। ये मैंने स्प्रेड डिप्लॉय कर रखी है। देखो अपसाइड जाएगी, 39000 ब्रेक करेगी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा 39500 की कॉल को, वरना डाउनसाइड तो मेरा रिस्क फ्री है ही सारी मार्केट। किसी को शक हो तो मैं पोजीशन खोल के भी दिखा देता हूँ। जस्ट इन केस लोग शक करते हैं ऑप्शन में, भाई ऐसे ही बना देते हैं लोग पोजीशन जब तक ये खुल रहा है। ये हमारा आवरली का व्यू है, 15 मिनट पर चलते हैं। 15 मिनट पर भी कुछ खास नहीं, लगभग आपको सेम ही ट्रेंड दिख रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है। ब्रेकआउट के बाद 39000 पे सेलिंग आई थी, तो इसके बाद वहाँ को डेफिनेटली एक अप मूव दिख सकता है। खुल जा रहे, देख लो सेम पोजीशन है 75-50-50 बाय, ठीक है। इसको मत देखना MTM को, ये थोड़ा वीकेंड पे ऐसे हिलता रहता है इधर, और 50-50-75-75 2 लॉट 3 लॉट 3 लॉट। तो ये व्यू है दोनों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी लाइव ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में डालते रहता हूँ, वो वीडियोस देख लेना। प्रॉफिट हो या लॉस, रिसेंटली प्रॉफिट हो रहे हैं, मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है, देख लेना। थैंक यू।